हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। हम मंथली करंट अफेयर्स के टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने ना एक मंथ का कंप्लीट कर लिया है। जनवरी मंथ का हम करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज से हम स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स, ठीक है, कि फरवरी मंथ में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसके ऊपर आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आपको नई नई जानकारी रोज रोज मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे कहते हैं सीबीआई, के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो अब सीबीआई के नए निर्देशक बने हैं वो कौन है, सीधे सीधे ये पूछा गया हमसे। ठीक है, तो अब जो बने हैं वो बने हैं ऋषि कुमार शुक्ला। तो इनका नाम याद रखिएगा, सीबीआई के जो नए निर्देशक बने हैं उनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला। अगला पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 624 मेगावाट की किरू जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया, यह परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अभी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए थे, उन्होंने दौरा किया था, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में, ठीक है, 624 मेगावाट की किरू जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया था वहाँ पर। तो ये जो परियोजना बनी है ये चिनाब नदी पर बनी है। तो याद रखिएगा, किरू जल विद्युत परियोजना, किरू जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा टेलीस्कोप द्वारा खोजी गई बॉनी आकाशगंगा को क्या नाम दिया गया। नासा ने अभी टेलीस्कोप द्वारा एक आकाशगंगा को खोजा है, उसका जो नाम दिया है वो नाम दिया है बेदिन वन नाम दिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हिंदू महिला ने वर्ष 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की घोषणा करी है। तो ये पहली बार होगा कि कोई हिंदू महिला जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगी, और ये कब घोषित किया उन्होंने, 2020 में करेंगी, और उनका नेम है तुलसी गेवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, 200 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, जिन्होंने 200 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेल लिए, उनका नेम है मिताली राज, ये भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन है। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन देशों ने ईरान के साथ व्यापार करने के लिए पेमेंट चैनल की शुरुआत की है, तो उसका नाम बताना है कि हाल ही में यूरोपियन देशों ने ईरान के साथ व्यापार करने के लिए कौन से पेमेंट चैनल की शुरुआत की है। तो इसका नाम है इंस्टेक्स, INSTEX, जिसका फुल फॉर्म होती है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस। ठीक है, तो मतलब पेमेंट चैनल के लिए, तो जैसे हम इसके साथ व्यापार कर रहे हैं तो जो लेन देन होगा उसके लिए उन्होंने एक चैनल की शुरुआत करी है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी उपभोक्ता देशों में भारत का विश्व में स्थान, एलपीजी जो हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस का यूज़ करते हैं उसमें यूज़ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और जो पहला स्थान है वो किसका है, चीन का है पहला स्थान एलपीजी उपभोक्ताओं में। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जीव को पंजाब सरकार ने राज्य का राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। तो पंजाब सरकार ने जो राज्य का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया, सिंधु नदी डॉल्फिन को। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, परमाणु टेक कॉन्फ्रेंस 2019 कहाँ आयोजित की गई। तो ये आयोजित की गई नई दिल्ली में। क्या इसका उद्देश्य था, तो परमाणु ऊर्जा के लाभों से लोगों को अवगत कराना इसका उद्देश्य था। उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसका नेम था परमाणु टेक कॉन्फ्रेंस 2019। अगला क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019, ठीक है, ये सूचकांक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान है इसमें 36वां, और पहले नंबर पर अगर पूछा जाएगा तो अमेरिका है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 36वां है द इंटेलिजेंस में, और पहले स्थान पर अमेरिका आता है इसमें। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, 61वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जो ग्रैमी अवार्ड्स थे उनका जो इस बार का जो समारोह हुआ था वो लॉस एंजलिस में हुआ था। सबसे ज़्यादा वो तो ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था, जिन्हें 4 ग्रैमी पुरस्कार मिले वो थे कार्डी बी, और एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया गोल्डन आर को। जो ग्रैमी पुरस्कार हैं वो म्यूज़िक के फील्ड में दिए जाते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, हाल ही में किस राज्य ने सरपंच और पार्षद के चुनाव हेतु शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता को समाप्त कर दिया? यानी जो सरपंच और पार्षद के चुनाव होते हैं उसके लिए शिक्षा की जो योग्यता होनी चाहिए उसकी कोई बाध्यता नहीं है, मतलब उसमें कोई बाध्य नहीं है कि आप कितने भी पढ़े लिखे हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने 12th करनी होनी चाहिए, आपने बीएससी का मतलब आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए, ऐसी कोई बाध्य नहीं है। आप इसकी बाध्यता जो है वो समाप्त कर दी गई है, तो ऐसा किया है राजस्थान की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 4 चिनूक हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया। भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे? तो देखिए, जो चिनूक हेलीकॉप्टर होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं सैनिक हथियार वगैरह को ढोने के लिए। तो अभी हाल ही में फरवरी के मंथ में भारत ने 4 हेलीकॉप्टर लिए हैं, ठीक है, खरीदे हैं। तो कौन से देश से खरीदें? अमेरिका से खरीदें। जो चिनूक हेलीकॉप्टर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कहीं भी आपको किसी मतलब एक लड़ाई वगैरह में, लड़ाई वड़ाई जो युद्ध वगैरह होती हैं अटैक करने के लिए, ये ना इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है, सैनिक उनका हथियार ईंधन सब चीज़ इसमें बहुत आराम से आ जाती है, तो उसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो भारत ने इसे अमेरिका से खरीदा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने बिहार के वित्त मंत्री के रूप में 10 बार बजट प्रस्तुत किया है? तो बिहार के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया, 10 बार वो बजट का मतलब पेश कर चुके हैं, तो उनके नेम है सुशील मोदी। सुशील मोदी जी ने बिहार का बजट 10 बार पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा किस पूर्वोत्तर राज्य में एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की आधारशिला रखी? तो एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के नाम से, तो पूर्वोत्तर राज्य में यानी पूर्व में ही होगा, तो कौन सा है वहाँ? अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। और एक और हवाई अड्डे का नाम याद रखिए, तेजू हवाई अड्डा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा, तो दोनों नेम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किस रेल मार्ग को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो अगरतला में, त्रिपुरा की राजधानी ये अगरतला में है, तो कौन सा है? गार्जी बिलोनिया, दक्षिण पूर्व देशों का ये प्रवेश द्वार माना जाएगा, तो इस रेल मार्ग को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 24 घंटे दुकानों के खुले रहने को मंजूरी प्रदान कर दी है, मतलब रोजगार के पर्पज से और कमाई वगैरह के होने से लोगों की, तो कौन से राज्य की सरकार है जिसने 24 घंटे दुकानों के खुले रहने को मंजूरी दे दी है? तो ये गुजरात सरकार ने दी है। अगला क्वेश्चन है इसमें, कोबरा गोल्ड 2019 सैन्य युद्ध अभ्यास, कोबरा गोल्ड 2019 सैन्य युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ये थाईलैंड में आयोजित किया गया, और इसका उद्देश्य था सशस्त्र सेनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? ये हमने लोकसभा वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, तो नेम है उनका सुशील। नया चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किया गया है वो सुशील चंद्रा नहीं है, ये सुशील अरोड़ा है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, सुशील अरोड़ा जी को किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने गुर्जर समेत 5 अन्य पिछड़ी जाति को कितने % आरक्षण प्रदान करने हेतु विधेयक पारित किया? आरक्षण मत के लिए उनके मतलब उन्हें शिक्षा में और उन्हें मतलब व्यवसाय में एक आरक्षण दिया जाए, तो राजस्थान सरकार ने उन्हें 5% का आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है? तो भारत ने ये ले लिया पाकिस्तान से। भारत ने इसे पाकिस्तान को देखिए बहुत मतलब बहुत पहले ही ये दर्जा दे दिया था, ये दर्जा दिया था भारत ने कि इसका मतलब क्या होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब जो भी हमारे देश से उनके देश में आयात चीज़ें की जाती हैं वो कम शुल्क पर आयात की जाती है, जो भी उनको टैक्स वैक्स देना पड़ेगा वो कम देना पड़ेगा। लेकिन हाल ही में जो पाकिस्तान वालों ने हमारे सैनिकों पर जो अटैक करा था जिसमें वो शहीद हो गए थे, तो उसकी वजह से भारत ने क्या किया था, पाकिस्तान पे से ये जो दर्जा है वो वापस ले लिया है। अब उन्हें पूरा प्रॉपर टैक्स देना पड़ेगा जितना देना चाहिए था, ऐसा नहीं कि उन्हें कम शुल्क पे ही चीज़ें दे दी जाएंगी, तो ये सिर्फ इसलिए किया गया है। ठीक है, तो आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का है वो हम यहीं पे ओवर करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये हमने फरवरी मंथ का करंट अफेयर का देखा, ऐसे ही आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फरवरी मंथ के वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।